अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से जो है बारवा के लिए, जो कि ये जो स्टेशन देख रहे हैं ये नूर सुल्तान का है, इस स्टेशन का नाम है बोगजल। तो यहाँ से हमें जाना है, यहाँ से लगभग 4 घंटे का रास्ता है। यहाँ की जो दूरी है लगभग 356 किलोमीटर है। तो चलिए दिखाते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ का रेलवे स्टेशन है और ये हमारा ट्रेन है। तो चलिए ट्रेन को अंदर से दिखाते हैं, अंदर से ये दिखता कैसा। और ये जो देख रहे हैं ये यहाँ से टिकट चिकर है। तो आ गए अपने इसके अंदर, तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर। ये भाई साहब हैं इधर, दो भाई नेपाल से हैं, एक विष्णु भाई जी इधर है और ये है राजाराम भाई, और ये भाई साहब इधर है, और ये हमारा ट्रेन देखो, ये हमारा सीट है। ये कोई जो है एक्सप्रेस नहीं है, ये पैसेंजर ट्रेन है, लोकल ट्रेन है यहाँ का। तो चलिए बैठते हैं, फिर मिलते हैं आगे। तो भाई आ गए हैं बारवा के लिए। यहाँ से लगभग और 20 से 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं टैक्सी करना है। टैक्सी मिलेगा कहाँ से ये तो नहीं पता, चलिए देखें टैक्सी मिलता कहाँ पे। तो बहुत सारा आदमी है यहाँ, तो टैक्सी के लिए सबसे पहले चलते हैं हम, टैक्सी स्टैंड खोजते हैं। टैक्सी स्टैंड मिलता कहाँ, तो बारवा एक्चुअली मेन तो है ना, आपको अगर आना हो तो आप आ कैसे सकते हैं, आप आ सकते हैं बारवा, जैसे यहाँ का जो कैपिटल है नूर सुल्तान, वहाँ से आप ट्रेन से भी आ सकते हैं या फिर बाई रोड भी आ सकते हैं। आप दो तरह से आ सकते हैं यहाँ पर। तो अगर बाई रोड आते हैं तो आपको लगभग 4 से 5 हज़ार तिंगे लेगा यहाँ पर। अगर आप बाई अगर ट्रेन आते हैं तो 1600 तिंगे का, वैसे 2000, 2500, 3000 अलग अलग टिकट का प्राइस भी है यहाँ पर। आपको जैसे आना है वैसे आप आ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग आए हैं ट्रेन से, ये रहा हमारा पीछे ट्रेन, और यहाँ से हमें टैक्सी से जाना होगा लगभग 20 से 25 किलोमीटर देखने के लिए। वो टैक्सी के लिए पूछ रहा था, टैक्सी तो हमें करना है लेकिन देखते हैं टैक्सी करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आने से पहले थोड़ा एक्सपेंसिव एरिया है, तो इस वजह से अगर यहाँ पर जाना है तो सही जाना है, क्योंकि ये लोग ठग भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, टैक्सी खोजते हैं पहले, उसके बाद फिर जाते हैं यहाँ से। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से जो रिटर्न टिकट है वही बना लेंगे, तो उसके लिए हमें टिकट काउंटर खोजना है। टिकट काउंटर है का, तो ये रहा टिकट काउंटर इस साइड में, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, फिर तो भाई लोग लाइन पर लगे हुए हैं इनका टिकट लेने के लिए। तो टिकट काउंटर यहीं पर है, यहीं से टिकट लेना है, देखते हैं वेट करते हैं टिकट मिलता है कब है। जब तो वो मैं लोग जो टिकट खरीद रहे हैं, हमारे इधर का ये यहाँ का रेलवे स्टेशन बैठने का वेटिंग रूम देख सकते हैं इस साइड, और यहाँ पर कुछ सामान वगैरह भी बाय कर सकते हैं करना है तो। और ये यहाँ का रेलवे स्टेशन यहाँ पर बैठे वगैरह सकते हैं, जो सामान वगैरह बाय करना है आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम टिकट से वेट कर रहे हैं, टिकट देखते हैं 5 से 10 में लगेगा शायद, तो उसके बाद टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट का प्राइस कितना है वही पता चल जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम ही जीत गए हैं, तो फिर टिकट ले लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। हमने जो अपना रिटर्न टिकट भी खरीद लिया, ये जो टिकट है ये देखें, ये रिटर्न टिकट है, यहाँ से लगभग पड़ा है 2400 कितना, 1 तिंगे का पड़ा है यहाँ से टिकट, तो थोड़ा सा महंगा पड़ा। जब आते समय हम लोग 1600 कुछ का किए, तो जाते समय का है 2400 एक तिंगे का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये बोला ये फर्स्ट क्लास का है, चलिए देखें फर्स्ट क्लास कैसा होता, आते समय भी वो भी अच्छा था। तो अभी हम लोग खोल रहे हैं टैक्सी, ये यहाँ का टैक्सी देख सकते हैं, देखते हैं कितना, यहाँ से टैक्सी में भी जा सकते हैं या फिर शेयरिंग बस में भी जा सकते हैं। फिलहाल हम टैक्सी की बात करें जावे ना, चलिए वेट कर लेते हैं। ये तो बारवे चिल्ला बहुत रहा है, लेकिन टैक्सी मिल नहीं रहा है यहाँ पे, ये सारे शेयरिंग टैक्सी है, चलिए देखते हैं। बारवे दा इधर जाएगा भाई, इसको पूछे दाम वगैरह क्या है।
फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ से हमें क्या करना है, हम हॉस्टल या फिर जो लॉज है वो पहुँचना है। तो भाई साहब बता रहा है वहाँ से थोड़ा बस जा रहा है, एक बोलता उस साइड में, वहाँ से हमें लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जाना है। तो देखते हैं हॉस्टल मिलता कहाँ है, ये तो हमें भी नहीं पता कि फर्स्ट टाइम आए। तो चलिए हॉस्टल को खोजते हैं, कितना एक्सपेंसिव है नहीं है ये हमें भी नहीं पता। तो बहुत खोजने के बाद यहाँ रूम मिला है हम लोगों को, लगभग 15,000 टिंगे का मिला है। 15,000 राउंड लगभग इंडिया का मान लीजिए 3,000 रुपये, हम लोग चार आदमी हैं, 3,000 रुपये में एक रूम मिला। और ये कुछ यहाँ का जो ग्राउंड है कुछ इस तरह से। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, अंदर से दिखाते हैं हम अपना रूम आप लोगों को, मेरा रूम कैसा है। तो ये रहा कुछ इस तरह से, यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले हम लोग का रूम जो है 3rd फ्लोर पे। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो खाना उड़ने के लिए जो गेस्ट रूम है यहाँ पर है, यहाँ पर आप खा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो किचन वगैरह भी है, यहाँ पर हम लोग किचन है। तो किचन से आप जो भी बनाना चाहते हैं, नाश्ता वगैरह भी, वो भी आप सारा चीज़ यहाँ पर बना सकते हैं। और ये डाइनिंग रूम है, यहाँ पर खाना वाना खाने के लिए ये सारा चीज़ें वो 3,000 में इंक्लूड, 15,000 में इंक्लूड है सारा चीज़। तो यहाँ पर जूता पहन के अलाउ नहीं है, तो जूते को हम बाहर खोल देते हैं। नहीं पता। तो ये भाई चलते हैं अब अपना रूम, इधर से दिखाते हैं रूम को। ये वाशरूम है, वाशरूम का बगल में ये रहा रूम, रूम नंबर 3 है हम लोगों का। तो चलिए यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर, हेलो हेलो भी है। और ये देख रहा है बाहर से भी, कुछ रूम का बेड वगैरह भी 3 है यहाँ पर, 4 आदमी आराम से रह सकते हैं इस रूम में। और यहाँ से भाई व्यू भी अच्छा लग रहा है देखने में, रूम भी उतना महंगा नहीं है, सही है। तो अभी हम आ गए हैं बारवा लेक में, ये जो आप देख रहे हैं ना ये हमारे पीछे ये बारवा लेक है पूरा। और हमें ट्रैकिंग करते हुए हमें जो पहाड़ देखा ना, हमें उसके ऊपर जाना है। तो लगभग यहाँ से आधा घंटा लग सकता है ट्रैकिंग करते हुए जाने में। तो चलिए ट्रैकिंग करके हम जाते हैं सबसे ऊपर। मेन पॉइंट पे जो यहाँ से जो ना ट्रैकिंग करके आया लगभग 2 किलोमीटर के आसपास लगभग में ये दूरी है यहाँ से। और यहाँ से जो ना ये व्यू जो है बहुत अच्छा लग रहा है पूरा लेक का, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ना ये पूरा लेक का ये व्यू है यहाँ से। तो और एक पॉइंट है यहाँ पर, तो उस पॉइंट को भी अभी हम कवर करेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है यहाँ से जो देख रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से और एक पहाड़ को जो ट्रैकिंग करके ऊपर चले जाना है। इसको जो है यहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, या पेड़ ऑफ कजाकिस्तान भी बोला जाता है, यानी कजाकिस्तान का जो मूर्ति है वो भी बोला जाता है बारवा को। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो वहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आदमी जो फोटोशूट वगैरह भी कराते हैं वहाँ से। चलिए देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा लग रहा है, वो चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं हम। तो ये ट्रैकिंग करते हमें जाना है भाई ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं वैसे बहुत ज़्यादा आदमी भी यहाँ पर फोटोशूट वगैरह करा रहे हैं सारे चीज़ अच्छे से। तो चलिए यहाँ से व्यू हम दिखाते हैं। और ये रहा यहाँ का सेकंड पॉइंट, सबसे जो व्यू आता है उसके वहाँ से, और दूसरा यहाँ से भी बहुत अच्छा लगता है ये व्यू। तो इस व्यू को भी आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरे लेक को। ये जो देख रहे हैं यहाँ से पूरा लेक का व्यू आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से मेन है यहाँ का पॉइंट। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी हमें जो है ना यहाँ से नीचे भी जाना है। तो कल फिर सुबह हम निकलेंगे दूसरी जगह के लिए यहीं से बारवा का, और 2 पॉइंट को कवर करना है कल। तो कल हम लोगों को एक टूरिस्ट गाइड को भी जो ना हम लोग हायर किया है, और उसके साथ साथ एक गाड़ी भी रेंट पर लिया है 4 घंटे के लिए। तो जो है जो हम लोग 4 से 5 जगह कवर कराएंगे मेन जो पॉइंट है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं वीडियो को।